मुरैना से एक मामला सामने आया जहां जो छात्रा एक साल पहले लापता हुई थी उसकी परीक्षा कोई और दे रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब लापता छात्रा की छोटी बहन भी उसी कॉलेज में परीक्षा दे रही थी। इसके बाद छात्रा ने परीक्षा केंद्र पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझिए। नकल के मामले में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बदनाम मुरैना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक छात्रा एक साल पहले लापता हुई थी जिसकी जगह पर परीक्षा कोई और शख्स दे रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब लापता छात्रा की छोटी बहन भी उसी कॉलेज में परीक्षा दे रही थी, तभी उसे एक अनजान शख्स उसकी लापता बहन के रोल नंबर पर परीक्षा देता नजर आया। इसके बाद छात्रा ने परीक्षा केंद्र पर ही हंगामा खड़ा कर दिया और परिजनों को भी इसके बारे में जानकारी दी। FIR आ गई है, बसियानू भई है, मुरैनू भई है, पर कोई सुनवाई ना भई। अब पता ही ठिकाना तो का हो तुम के वो मोड़ा बैठो या मूरी की आगे माई की आगे भागो नालू को बरसा पिताजी को ना लक्ष्मीचंद शिकायत करी तो है, शिकायत करी है वो तो कह नहीं हुआ मास्टर हो हम थाने को गए बहाने गई तुम्हारी लड़की अब आते बहाने टी सी काट रही है। मैं बताऊं बात है अब परीक्षा बंद है। 10 जुलाई 2023 में बिचौली गांव की रहने वाली वर्षा जाटव लापता हो गई थी। इसके दूसरे ही दिन परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार ने अपने स्तर पर भी अपनी बेटी की तलाश की लेकिन वर्षा का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। दरअसल छात्रा वर्षा जाटा BSc की छात्रा थी और उसके साथ ही उसकी छोटी बहन निशा भी पढ़ती थी। दोनों बहनों का परिवार ने एक ही कॉलेज में एडमिशन कराया, यानी कि ग्वालियर रोड स्थित महात्मा फुले कॉलेज में ही दोनों का एडमिशन कराया गया। इस मामले को लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज के संचालक का कहना है कि हमें छात्रा के लापता होने की जानकारी नहीं थी। मुझे कल पता चला था, उनके पिताजी आए थे हमारे यहाँ, तो वो बोल रहे थे हमारी बच्ची लापता है। मुझे कल ही इस चीज़ के बारे में पता चला, तो एग्जाम वगैरह कौन करा रहा है, मैंने हमें तो कोई जानकारी नहीं, बच्ची दे के गई होगी एग्जाम हमें ऐसा लगता है। और कल TC वगैरह उनके पिताजी ने मांगी कि हम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाह रहे, तो हमने TC काट के दे दी। वर्षा जाटव जो है जुलाई 2023 में यहाँ थाने पर एक गुमशुदगी दर्ज थी उसके संबंध में, जिसके संबंध में अभी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों के अनुसार कि वनखंडी रोड में महात्मा फुले कोई ऑफिस है, स्कूल है, वहाँ से परीक्षा भी उसकी जगह किसी लड़के ने दिया ऐसा कुछ सुनने में आया है, जिसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। कॉलेज परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल ही नहीं चल रही बल्कि फर्जी परीक्षार्थी भी बिठाए जा रहे हैं। जो छात्रा एक साल से लापता है और जिसे ढूंढने में परिजन लगे हैं, उसी छात्रा की जगह कोई युवक परीक्षा दे रहा है। इसे शिक्षा विभाग की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी, ये जांच में ही निकल कर सामने आएगा। मुरैना से विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।